Okay, so now next topic of this chapter is chapter number 5, states of matter. Ideal gas and ideal gas equation. Ideal gas and ideal gas equation. Ideal gas, जो गैस टेम्परेचर और प्रेशर की हर एक कंडीशन में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को ओबे करती है, वो गैस आइडियल गैस कहलाती है। और बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगैड्रो लॉ को मिलाकर एक इक्वेशन बनाई जाती है जिसे आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या था बॉयल्स लॉ? एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। दिस इज इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या था चार्ल्स लॉ बेटा? कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इक्वेशन नंबर 2। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तीनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1, 2, 3 को। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 यहां क्या है? वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी, ये वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 इन पी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो क्या हो जाएगा? वी प्रोपोर्शनल टू एन टी और पी आ जाएगा अपॉन एन टी अपॉन पी। यहां इसकी जगह हम कॉन्स्टेंट वैल्यू लेते हैं आर, वी इक्वल टू आर एन टी अपॉन पी हो जाएगा, वी इक्वल टू आर एन टी अपॉन पी। और क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल टू आर एन टी, हम इसे एन आर टी लिख देते हैं। ये जो पी वी इक्वल टू एन आर टी आता है, इक्वेशन आती है हमारी पी वी इक्वल टू एन आर टी, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। अब अगर यहां पर हमारे एन एन जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, अगर n की वैल्यू हम 1 लेते हैं, n हमारा 1 हो, n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल 1 हो तो p भी इक्वल टू किसके हो जाएगा? r t के। इसे आप t को इधर ले आइए तो p v अपॉन t इक्वल टू r। अब अगर सपोज आपका गैस है, उसका प्रेशर शुरू में p1 है, t की जगह p1, वॉल्यूम v1 है और टेम्परेचर t1 है, तो वो इक्वल टू r के हो जाएगा। प्रेशर हमने P2 कर दिया, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 इक्वल टू आर। आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, ये 1, 2, 3 आप इसे मान लीजिए 4, दिस इज 5। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 P1 क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू T2 V2 अपॉन T2। ये कंबाइंड गैस इक्वेशन कहलाते हैं, दिस इज कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब ये तो हमारा पी वी इक्वल टू एन आर टी आया, फ्रॉम पी वी इक्वल टू एन आर टी, एन नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? डब्ल्यू अपॉन एम, डी वन मास अपॉन मोल एम मास, तो क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल टू एन टी निकाल जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम आर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, डब्ल्यू मास ऑफ गैस, एम मोलर मास ऑफ गैस, आर गैस कॉन्स्टेंट, आर इज गैस कॉन्स्टेंट एंड टी टेम्परेचर। और आर की जो वैल्यू होती है जनरली 0.0821 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट। आर की वैल्यू ये होगी जब हमारा प्रेशर एटमोस्फेयर में हो, अगर प्रेशर की यूनिट हमारी बार में होती है तो आर की वैल्यू हमारी 0.083 हो जाएगी। आर की कई सारी वैल्यू होती है जो कि डिपेंड करती है इनकी यूनिट्स पर।
एटमॉस्फेयर में मिलेगा आपको जनरली प्रेशर, तो फिर आपकी आर की वैल्यू 0.0821 होगी। अगर बार में गिवन होता है तो 0.083 हो जाएगी। ओके,